अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने काम में बिज़ी होंगे। वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। अल्लाह के फजल और करम से नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक इनफर्टाइल एग के बारे में है, या डेडेंशियल एग के बारे में है। ठीक है, सम केस ऐसा होता है, बहुत से दोस्तों की कंप्लेंट्स भी होती है, शिकायत भी होती है कि भाई हम अगर बर्ड्स हो गए, बर्ड्स में अगर मुर्गियाँ हो गई, तोते हो गए, बड़े तोते हो गए, कॉकटेल्स हो गए, रिंगनेक हो गए, या फिर अदरवाइज़ कोई भी पैरट्स हो गए, या कोई भी मुर्गियाँ वगैरह हो गई, या चकोर वगैरह हो गए, तो उनकी शिकायत ये होती है कि हमने अंडे रखे, मतलब कि जो फीमेल है वो एग्स पे बैठ रही है, 20 से 22 दिन हो गए हैं और उसके बाद बच्चे नहीं निकला। क्या रीज़न हो सकती है? क्या अंडा ख़राब है, या फिर जो फीमेल है वो ख़राब है, या फिर मतलब कि उसको प्रॉपर हीट नहीं मिल रही, तो क्या रीज़न है कि हमारी जो चिक्स हैं क्यों नहीं निकल रहे, हैच क्यों नहीं हो रही, हैचिंग मतलब क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो देखिए ये भी मेरे पास एक मुर्गी है। ठीक है, तो इसको रखे हुए मुझे 20 से 22 दिन हो चुके हैं, मींस के एग्स पे बैठे हुए इसको जो मैक्सिमम टाइम हो चुका है वो 23 से 24 दिन हो चुके हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि तीसरा हफ्ता हो चुका है इसको एग्स पे बैठे हुए, और अभी तक कोई भी प्रोग्रेस आदमी नहीं है। इसके जगह जो दूसरी मेरे पास मुर्गी है सील की, उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, मतलब कि वो लाइफ फूड्स के बारे में मैंने डाली थी, तो उसमें भी है, उसको भी मैंने बिठाया था, लेकिन उसके 21वें दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट आ गया था, उसने सब एग्स हैच कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैच किए, 5 से 6 चिक्स हैं, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हेल्दी और एक्टिव है। ठीक है, अब इसको इतना अर्सा हो गया, इससे क्या रीज़न है? अंडे ठीक नहीं थे, या फिर मतलब कि प्रॉपर हीट नहीं मिल रही, या फिर फीमेल का इशू है, क्या इशू क्या आ रहा है? इशू समटाइम्स एक ये भी आता है कि हमारे पास के जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो मेल का भी थोड़ा बहुत फॉल्ट है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही मेल है और दो फीमेल्स हैं। ठीक है, एक ही मेल ने दोनों फीमेल के साथ क्रॉस की थी, जिसकी वजह से इसके भी अंडे, उसके बाद भी इसी मुर्गे के अंडे रखे हुए, और मतलब कि अगर उसमें जो चिक्स हैं वो भी एक ही मतलब मेल के थे, मेल ने क्रॉस किया था, तो एक ही उसकी म्यूटेशन के आए थे। ठीक है, तो इशू मेरे पास क्या आ रहा है? मौसम चेंज हो रहा है, समटाइम ऐसा भी केस होता है कि मौसम अचानक से तब्दील हो जाता है, पहले गर्मी होती है, मुर्गी कम बैठती है अंडों पे, मतलब अंडों से थोड़ा बहुत उठी रहती है, और जब कभी अचानक सर्दी आ जाती है, जब टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, जिसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर मेंटेन ही हुआ है, सही रहा है, ना कुछ ज़्यादा ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ। तो ये क्यों चिक्स निकाली? समटाइम्स हमारे पास जो इशू आता है वो फीमेल का भी होता है, फीमेल जो होती है वो प्रॉपर हीट नहीं कर सकती एग्स को। ठीक है, अगर वो प्रॉपर हीट देती है एग्स को, प्रॉपर सब कुछ होता, तो चिक्स निकलने में 20 से 21 दिन का टाइम मस्ट होता है, कहीं नहीं जाता। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, मिनिमम इसके नीचे मैंने रखे थे 9 से 10 अंडे रखे थे, फ़िलहाल जो मेरे पास बचे हैं वो ये 1 2 3 3 और 4 8 9 7 और 8 अंडे मेरे पास है इसके नीचे। ठीक है, तो अभी तक इसने कोई भी चिक्स नहीं निकाला। समटाइम जो इशू होता है वो फीमेल्स का होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो प्रॉपर हीट अंडों को नहीं दे सकती। ठीक है, और बैठी रहती है जब तक के बच्चे को वो अंडे को उठा के बाहर ना फेंक दिए, बैठी ही रहती हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से ही उठती हैं। ठीक है, तो केस भी मेरे सामने इसी का यही आया, इसके मतलब दूसरा क्लच है ये एग्स, इसने एग्स तो प्रॉपर देंगी अगर आपके पास बर्ड्स में बजीज में फीमेल है, या आपके पास ऐसे कोई मुर्गी है। देखें ये अंडों को अपने नीचे भी कर रही है, एग्स भी इसने अपने क्लच के पूरे एग्स दिए हैं। ठीक है, और जो बर्ड्स में ऐसा है वो भी अपने क्लच के पूरे ही एग्स देगी, लेकिन जो हैचिंग का टाइम है, जो फर्टाइल एग्स है, वो उसको फर्टाइल नहीं करेगी, तो इसमें आपकी जो फीमेल का ही फॉल्ट होता है। आप कोशिश करें कि फीमेल्स को चेंज कर दें। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसको आप सेल कर रहे हैं, अगर आप शॉप पे सेल करें तो उसको बता के सेल करें, और अगर आप किसी अपने कस्टमर को सेल करें तो काइंडली उसको बताएं कि फीमेल्स का ये फॉल्ट है, मैं जिसकी वजह से इसको सेल कर रहा हूँ। अगर आप इसको एग्स पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो आप बेस्ट है, वेल एंड गुड है ले रहे हैं। अगर आप इसको मीट पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो फिर भी ठीक है, अगर आप इसे हैचिंग करवाना चाहिए तो हैचिंग नहीं कर सकती, क्योंकि एज पर डिपेंड होता है फीमेल्स की। समटाइम फीमेल्स की एज ऐसी हो जाती है कि वो एग्स तो दे देती है, लेकिन वो प्रॉपर हीट नहीं दे पाती, टेम्परेचर जो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एग्स एज हैचिंग नहीं होती, जो बच्चे हैं वो नहीं निकलता, बच्चे निकलने का अमल नहीं होता। तो ख्याल रखें, समटाइम्स हमें जो शॉप्स वाले हैं वो भी ऐसे ही मतलब ऊपर नीचे पहना बना के अपने मंजन बेच के हमें ऐसी चीज़ें पकड़ा के देते हैं, जब हैच कर जब हम घर में लाते तो उसका कुछ भी नहीं होता। किसी के साथ गलत कमिटमेंट ना करें, गलत कमिटमेंट करके आप अपने कस्टमर ख़राब करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप ऑनलाइन सेल का काम कर रहे हैं, सेल पर्चे का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो एंड होती है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो
अगर थोड़ी बहुत भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हौसला अफजाई हो और मेरे आने वाली मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।